This video is sponsored by Pixtoons Animation Studio. देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज चैनल। रोहित ने थामा श्रीलंकाई झंडा, शाकिब ने लगाया गले, मैच के बाद दिखे ऐसे नज़ारे। टीम इंडिया ने निदाहास ट्रॉफी के फाइनल में बांग्लादेश को 4 विकेट से हराकर सीरीज पर कब्जा जमा लिया। रविवार को कोलंबो में खेले गए रोमांचक मैच में भारत को आखिरी बॉल पर जीत मिली। दिनेश कार्तिक ने मैच की लास्ट बॉल पर 6 लगाकर टीम को जिता दिया। इसके साथ ही नागिन डांस करने का इंतजार कर रहे बांग्लादेशी प्लेयर्स और फैंस के अरमानों पर भी पानी फिर गया। मैच के बाद दिखे दिल जीतने वाले नज़ारे। श्रीलंका के खिलाफ हुए आखिरी लीग मैच में बांग्लादेश प्लेयर्स ने काफ़ी तमाशा किया था, लेकिन फाइनल में मिली हार के बाद प्लेयर्स ने वैसा कुछ नहीं किया बल्कि काफ़ी समझदारी से काम लिया। बांग्लादेशी प्लेयर्स ने फाइनल में मिली हार को भी खेल भावना के हिसाब से लेकर भारतीय टीम को जीत की बधाई दी। इस दौरान बांग्लादेशी प्लेयर्स ने उनके हाथ से जीत छीनने वाले दिनेश कार्तिक को गले लगाकर विश भी किया। उधर मैच के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा जब मैदान का राउंड लगा रहे थे तो उन्होंने साथ चल रहे एक श्रीलंकाई शख्स से उनके झंडे को ले लिया और उसे लेकर चलने लगे। दरअसल इस मैच में श्रीलंकाई फैंस पूरी तरह से भारतीय टीम के सपोर्ट में थे, इसी वजह से रोहित ने अपनी ओर से उन फैंस को शुक्रिया देने की कोशिश की।